आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस का जाना माना चेहरा, जिन्हें पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले ही आचार्य प्रमोद कृष्णम के खिलाफ कांग्रेस का ये बहुत बड़ा एक्शन माना जा रहा है, जिसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उन्होंने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर जाहिर किया है। कांग्रेस से निष्कासित किए जाने के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने पोस्ट को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी टैग किया है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि अनुशासनहीनता और बार बार पार्टी विरोधी टिप्पणियों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रमोद कृष्णम को तत्काल प्रभाव से 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम लंबे वक्त से कांग्रेस की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान देते आए हैं, लेकिन हर बार पार्टी उन्हें नजरअंदाज करती रही, लेकिन इस बार उनके खिलाफ पार्टी ने बहुत बड़ा एक्शन ले ही लिया।